हेलो गाइस, दिस इज आलोक सर। आई एम बैक विथ ए न्यू नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय व्यंजनों के इंग्लिश नाम, जैसे रायता, गुलगुला, नमकीन, गुपचुप, साबुदाना, जलेबी और बहुत सारे व्यंजन। जानेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो छोटी छोटी बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला व्यंजन है हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक या राउंडेड स्वीट। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी जगह पूछते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्यों कहते हैं। इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है। आगे देखते हैं, ये है चटनी। चटनी को इंग्लिश में सॉस बोलते हैं, काफी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। नेक्स्ट है गुलगुला। गुलगुला को इंग्लिश में बोलते हैं डम्पलिंग। ये पकोड़े जैसा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में मीठा पकोड़ा होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डम्पलिंग। नेक्स्ट है टिक्की। टिक्की को बोलते हैं केक। अगला है, ये है खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मूस। नेक्स्ट है हलवा। हलवा को बोलते हैं पुडिंग। नेक्स्ट ये है मलाई। मलाई को इंग्लिश में बोला जाता है क्रीम। अगला है साबूदाना। साबूदाना को इंग्लिश में बोलते हैं सैगो। साबूदाना का यूज तो काफी लोग करते हैं, साबूदाना को इंग्लिश में सैगो बोला जाता है। नेक्स्ट है गुपचुप, या इसको बोलते हैं पानी पूरी। पानी पूरी को बोला जाता है इंग्लिश में वाटर बॉल्स। नेक्स्ट है, यह है अचार। अचार को बोलते हैं पिकल। अगला है ये पकवान। पकवान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। इसको बोलते हैं ड्रेस्ड फूड। नेक्स्ट है रायता। रायता को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड कर्ड, क्योंकि यह दही से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड कर्ड। नेक्स्ट है छाछ। छाछ को इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। नेक्स्ट नमकीन। नमकीन को बोलते हैं मिक्स्ड क्रिस्पी। अगला है, यह है अपना पकोड़े। पकोड़े को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रिटर। अगला है पोहा। पोहा को बोलते हैं इंग्लिश में बीटन राइस, क्योंकि वह चावल से बना होता है और चपटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटन राइस। नेक्स्ट ये है खीर। खीर को बोलते हैं पुडिंग राइस। अगला है, ये है छोले। छोले को बोलते हैं चिक पी। अगला है कचौरी। कचौरी को बोलते हैं इंग्लिश में पाई। अगला है समोसे। समोसे को इंग्लिश में बोला जाता है रिसोल। आखिरी व्यंजन है चीला। चीला को इंग्लिश में बोला जाता है इन चिलड़ा। इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इन चिलड़ा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह ऐसा एक आइकॉन आएगा, इसमें सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल आइकॉन दिख रहा है, उस बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को भारतीय व्यंजनों के इंग्लिश नाम के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।